इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने एक अपनी मदर की साड़ी जो है वो एक डिबेट में पहनी थी। डिबेट तो नहीं थी, क्या मेरी सोलो वीडियो ही थी, उसपे पहनी थी और उसपे काफी लोगों को जो है वो तकलीफें हो गई थी। आई होप कि इस दफा वो लोग हजमूला खा के मेरी वीडियो देखेंगे। और दूसरा ये कि मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैंने कभी दावा नहीं किया, तो इसलिए प्लीज मेरी सोलो वीडियो से कोई सबक लेने की कोशिश ना करें और ना ही मैं कोई सबक देने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। और बाकी बातें ये कि इतने बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, इतने अच्छे अच्छे हमारे पास पैनलिस्ट आते हैं, उनकी बातों का असर नहीं होता आप लोगों के ऊपर, तो मेरी बातों पे क्या खाक असर होगा। इसलिए कि आप लोग कितने डीट हैं वो मुझे साफ नजर आता है जब आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए हुए चैनल से और दौड़ जाते हैं वीडियो देखकर। एनीवे, मैं आपको ये बता रही थी कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स को टाइम दिया करें। जो हर वक्त आप लोग मोबाइल में लगे रहते हैं या बाहर घूमते रहते हैं, जो भी है, चाहे ऑफिस है आपका, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, जहां भी आप पढ़ते हैं, जहां भी आप जाते हैं, लेकिन प्लीज अपने पेरेंट्स को प्रॉपर टाइम दें। और इसलिए कि पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहते, ये एक क्या कहना चाहिए कि दुनिया में एक ये नियम है, दुनिया का एक कानून है, दुनिया का एक तरीका है। तो इसलिए वैसे तो मैं आप सबके लिए मेरी दुआ है कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहें, आप हमेशा उनकी जो उनकी दुआएं आपको मिलती रहें और हमेशा आपके साथ ही रहे आपके पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स को टाइम दें, उनकी जो एडवाइस करते हैं उस उनकी बात को सुने, उनकी बात को फॉलो करें, उनको खुश रखें, उनको घुमाएं फिराएं, उनको भी आप उसी तरीके से अपने साथ हर चीज में शामिल रखें जैसे आप अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स को रखते हैं। क्योंकि पेरेंट्स आपके साथ होंगे तो आप यकीन करें आपका हर काम बहुत अच्छा से, बहुत परफेक्टली, सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे आप। चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका जो है वो स्टडीज हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं। एनीवे, ये तो था मेरा आज का भाषण। अब हम चलते हैं जी इमरान खान साहब की तरफ, थोड़ा सा हम उन पे भी बात कर लें क्योंकि दो चार पांच मिनट की वीडियो मैंने कहा बना लूं। वैसी साड़ी पहनी थी और इतनी पिने मैंने यहाँ पे लगाई है, तब भी ये मेरे से कंट्रोल में नहीं आ रही है। पता नहीं लोग कैसे पहनते, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सीखूं साड़ी पहनना। तो साड़ी का आप सब बोलेंगे कि जी पुराने स्टाइल की, तो ऑब्वियसली मेरी मदर की है तो पुराने स्टाइल की होगी ना। मेरी मदर कोई वो क्या नाम है, शिल्पा शेट्टी जैसी साड़ियां तो नहीं पहनती थी ना, तो इसलिए ये साड़ी आपको शायद पुरानी स्टाइल की लगेगी, तो पुरानी है तो पुरानी ही लगेगी। एनीवे, और वैसे भी मैं शिल्पा वाली साड़ी तो मैं भी नहीं पहन सकती क्योंकि मेरा वैसा फिगर नहीं शिल्पा जैसा, तो आई विश कैसा होता लेकिन नहीं है। तो खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि 1 करोड़ नौकरियां खान साहब ने कहा कि वो देंगे आने से पहले जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। 50 लाख घरों का कहा उन्होंने कहा कि वो साइकिल पे ऑफिस जाया करेंगे क्योंकि उनको लगा कि कोई यूरोप में कोई साइकिल पे गया था कोई प्राइम मिनिस्टर तो बड़े इंप्रेस हो गए थे। कर्जा अगर लेना पड़ा, यानी कि लोन अगर लेना पड़ा उनकी गवर्नमेंट को, तो वो खुदकुशी कर लेंगे और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि वो खुदकुशी कर ले। उसके बाद जो लोग बाहर हैं, जो लोग दूसरी कंट्रीज में हैं, वो पाकिस्तान आएंगे यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए, यानी जॉब लेने के लिए, इतनी जॉब वो क्रिएट कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो बाहर $200 अरब रखे हुए हैं पाकिस्तान के बकौल उनके, जो अभी तक किसी को मिले नहीं है, वो वापस ले आएंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस को वो यूनिवर्सिटीज बना देंगे और खुद प्राइम मिनिस्टर भी और गवर्नर भी छोटे छोटे घरों में रहेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये सारी चवलें खान साहब ने शाम के 7 बजे के बाद मारी, इसलिए कि सुबह के 7 बजे के बाद वो इस किस्म की बहकी बहकी बातें नहीं करते। तो इस तरह की जो बातें होती है ना टोन वाली, ये बातें वो करते हैं 7 बजे के बाद। और ये अब एक ओपन सीक्रेट है, सभी को पता है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, हम बड़े आराम से बता सकते हैं और बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है और आप सब ये बात पहले ही से जानते हैं। तो बाजवा साहब की बात अगर हम करें, वो बड्डे वाले बाजवा साहब जो थोड़े दिन पहले आपको पता है ना कहीं इस्लामाबाद में अंडे लेते हुए दिखे गए और उसके बाद एक न्यूज बन गई कि जी
उन्होंने खुद जाके जो है वो ऑमलेट ले लिया, खुद जाके उन्होंने अंडे ले लिए, तो वो बेचारे भी पछताते होंगे कि यार मैंने क्यों 3 साल की एक्सटेंशन ले ली है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो किसी तरीके से काबू में आ रही नहीं है और अजीब अजीब तरह की ये हरकतें कर रहे हैं जिससे कि बाजवा साहब का नाम भी ये लोग खराब कर रहे हैं। आपको पता ही है कि कुछ भी इनसे हैंडल नहीं हो रहा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि बनी गाला में दर्द दूर करने का नशा मिलता है, ये कौन सा नशा है, और वो भी बनी गाला से। बनी गाला वैसे ही बड़ा मशहूर है जी नशे वशे के बारे में। ऊपर से फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं इंटरनेट पे और हर जगह पे मौजूद है, जहां पे वो उन्होंने ये कहा है कि बनी गाला से अवाम को दर्द दूर करने का नशा मिलता है। अच्छा, नशा तो वैसे ही बड़ा इस गवर्नमेंट के दौर में बहुत ज्यादा, जब से गवर्नमेंट आई है इस पार्टी के आने के बाद से नशा नशा तो हम बहुत ही सुन रहे हैं, लेकिन ये कि अब ये पब्लिक को भी देने लगे हैं, यानी पब्लिक भी अब सुट्टे लगाएगी, तो ये बात मेरी तो कुछ समझ में आई नहीं। अगर अगर किसी यूथियो को समझ में आई हो तो बता दे, और यूथियो को तो जरूर ही समझ में आ गया होगा, इसलिए वो सारे यूथिये जो अभी तक इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि वो 90 डेज में पूरे पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, अब वो उधर से छलांग मार के आ गए हैं कि जी उनको 20 साल दिए जाएं। लगता है हमारे किसी डिबेट में हमारे पैरलिस्ट जो है बड़े फेमस है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को जो है वो 20 साल चाहिए, इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करना चाहिए 20 साल, और कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो लगता है वो खान साहब ने कहीं से सुन लिया है, तो अब उन्होंने अपने जो जितने यूथी है और जितने चमचे हैं उनको कहने पे लगा दिया है कि जी 20 साल खान साहब को मिलने चाहिए, क्योंकि 90 डेज में तुमसे कुछ हुआ नहीं, 90 डेज के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब ये कि वो 20 इयर्स मांग रहे ताकि वो पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो खान साहब वो जो हमारे पैनलिस्ट है उन्होंने वो बात आपके लिए नहीं कही थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको 20 साल इधर बैठ के ये सब कुछ करना चाहिए, इसलिए कि आप कितने काबिल हैं, आप में क्या टैलेंट है, वो तो सबको ही नजर आ चुका है, तो इसलिए अब मजीद हमें उसके ऊपर गौर ना कराएं। बिजली के बिल दोबारा से बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर है पेट्रोल प्राइस जो है वो दोबारा से बढ़ा दी गई है, और फिर कहा जाएगा कि नहीं जी पूरी दुनिया में ही ऐसे चल रहा है, इसमें खान साहब का कोई कसूर नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर जो बैठे हैं, जो तो गाइस ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया की एंकर आरजू काज़मी बात कर रही थी कि उन्हें किस तरीके से तानों और एक्सट्रीमिस्ट लोगों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ये साड़ी पहनी। हालांकि उनके साथ ये पहले हो चुका है, उन्होंने बिंदी पहनी थी, उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। बिंदी पहनने के बाद उन्हें इस्लाम से निकाल देने की और मतलब हिंदुस्तान निकल जाने की धमकियां मिली थी। एक बंदे ने वीडियो पोस्ट करके बोला था कि आरजू काज़मी तुम इस्लाम से खारिज हो चुकी हो, क्योंकि तुम अपने वीडियो के स्टार्टिंग में नमस्कार बोलती हो, बिंदी पहनती हो, इस तरीके की हरकतें करती हो। तो दोस्तों ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है, आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में बाद में बात हुई है इमरान खान के बारे में। आपको बता दें इमरान खान जब पीएम बनने से पहले अपना पॉलिटिकल प्रचार करते थे तो उसमें इस तरीके की बातें करते थे, अगर मैंने कर्ज़ा लिया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। दोस्तों इस तरीके की बातें कुछ इमरान खान ने की थी प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले जब अपने प्रचार कर रहे थे। आप समझ सकते हो दोस्तों, इस तरीके की बातें बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर मैंने किसी बाहर के देश से कर्ज़ा लिया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। आज वही इमरान खान है, एक फातिमा जिन्ना के नाम पर पार्क था उसे गिरवी रखकर कर्जा ले रहे हैं। तो दोस्तों मतलब ये वही बात हो गई कि अगर आपको पता नहीं है कि आगे जाके पॉलिटिक्स में क्या है, देश की कंडीशन क्या है, बिना सोचे समझे आप बड़ी बड़ी छोड़ के इलेक्शन जीत जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं आर्मी की मदद से, फिर आप बड़े बुरे फंस जाते हैं। तो इमरान खान भी उसी जाल में फंस चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानियों को ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानियों के पास खुशी का एक मौका ये है कि भारत में जो कुछ होता है तो पाकिस्तानी उसे देखकर खुश होते ही रहते हैं। जैसे आपने देखा 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ किसान प्रोटेस्ट के दौरान, तो उसे देखकर पाकिस्तानी अपना जी बहलाते रहते हैं, खालिस्तान बनाते रहते हैं, इंडिया के टुकड़े करते रहते हैं, इंडिया की बर्बादी के सपने देखते रहते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान बस उसी खुशी में चल रहा है पाकिस्तान, हालांकि इनके पास है तो कुछ नहीं। पाकिस्तान को बड़े दिनों के बाद, मतलब आपको बता दें पाकिस्तान से पहले सड़े सड़े से छोटे छोटे से देशों को वैक्सीन मिल गई थी, लेकिन भिखारी पाकिस्तान को आज बड़े दिनों के बाद चाइना की घटिया घटिया वैक्सीन मिली है, जिसे लेकर वो इतने खुश हो रहे हैं कि आपको क्या बताएं। और हालांकि पाकिस्तान को इंडिया की वैक्सीन भी जल्दी मिलने वाली है, लेकिन बाय इंडिया नहीं,
ये बाय थर्ड पार्टी होगा। ये आप समझ सकते हैं कि ये यूएन का एक तरीका होता है, जो गरीब भिखारी देश होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, उन्हें कहीं ना कहीं से वैक्सीन दी जाती है। तो आपको पता है इंडिया की वैक्सीन वैसे ही काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है और काफ़ी सस्ती है, तो गरीब देशों में वो वैक्सीन जाएगी। तो उसी तरीके से पाकिस्तान को ये वैक्सीन मिल सकती है। और इंग्लैंड से भी पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है खरीदी है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, आपको पता होगा पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में मैन्युफैक्चर हुई है, वो वैक्सीन भी पाकिस्तान ने ऑर्डर की है और वो भी पाकिस्तान को जल्द ही मिल सकती है। तो ले देकर पाकिस्तान को मिलेगी इंडियन वैक्सीन। और आपको बता दें पाकिस्तान के ऐसे कई लोग हैं जो दिन रात कैंपेनिंग करते हैं कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद आपका लिंग ही गायब हो जाएगा, यह लिंग की पूरी क्षमता खत्म हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। इस तरीके की बातें करते हैं, नपुंसक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके की बात करने वाले पाकिस्तानी क्या है, इंडियन वैक्सीन लगाएंगे। ये भी एक सोचने समझने वाली बात होगी, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान वो देश है जहाँ पर अभी भी पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है। पोलियो को लेकर अभी भी पाकिस्तान जब किसी दुनिया के दूसरे देश में जाता है तो उन्हें ड्रॉप या वैक्सीन लेनी पड़ती है। तो पाकिस्तान जैसे देश में जब पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के ड्रॉप नहीं लगवाते लोग, तो ये कैसे होगा कि कोरोना की वैक्सीन इतनी आसानी से लगा लेंगे, तो ये अलग चैलेंज होगा। तो दोस्तों अब करते हैं वीडियो को द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें।